हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग फिर से सामान्य विज्ञान में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन एवं अंकुरण। तो आइए सबसे पहले वर्कशीट के द्वारा इसे समझते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 में बीजों के प्रकीर्णन एवं अंकुरण के अंतर्गत वायु द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन और यांत्रिक प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी समझाया गया है। आइए विस्तार से इसे एक वीडियो के द्वारा समझें। तो बच्चों, आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीजों का प्रकीर्णन एवं अंकुरण। क्या है बच्चों? बीजों का प्रकीर्णन एवं अंकुरण। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बीजों का प्रकीर्णन है क्या। तो बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन मतलब बीजों का विस्तार या फैलाव। तो बच्चों, ये जो प्रक्रिया है ना, एक पौधे के जीवन चक्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा, बीजों का प्रकीर्णन एवं अंकुरण, इसके अंतर्गत बीज के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है बीज। तो बच्चों, निषेचन के पश्चात अंडाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन के फलस्वरूप जो भ्रूण कोश होते हैं, उसमें भ्रूण जो होता है वो अंडाशय में बीजांड आदि की रचनाओं का विकास होता है। जैसे किसी भी भ्रूण में एक नए पौधे, एक नए जीव की उत्पत्ति का माध्यम होता है, उसी प्रकार से ये जो बीज होता है बच्चों, ये परिवर्तन और विकास के बाद ये परिपक्व बीजांड बनता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। और इसका निषेचन के बाद, आप जानते हैं, निषेचन के बाद ये जो अंडाशय में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और जिसके फलस्वरूप ही जो बीजांड होता है वो विकसित और परिपक्व होके एक बीज के रूप में विकसित होता है। तो इस तरीके से बच्चों, हम लोगों ने बीज, बीज तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे फलों में देखा है ना, पौधों में देखा है, फूलों के छोटे छोटे बीज देखे हैं, लेकिन इनका प्रकीर्णन और अंकुरण के बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ये जान लिया कि बीज है क्या। अब हम लोग बीजों की संरचना के बारे में समझते हैं कि बीजों की संरचना किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, एक जो बीज होता है ना, उसमें दो भाग होते हैं। जो एक बीज होता है, आप लोग कभी एक बीज को खोल के देखिएगा तो उसमें कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक बीज आवरण होता है, दूसरा उसका भ्रूण होता है। बीज आवरण और उसका भ्रूण, बीज के जो संरचना के अंतर्गत उसमें दो भाग पाए जाते हैं। बीज आवरण क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, आवरण मतलब कवर, आवरण मतलब कवर होता है, हम सभी जानते हैं। तो बीज आवरण का मतलब, बीज आवरण जो होता है, बीज का बाह्य भाग होता है, बाहरी हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीज आवरण होता है। बच्चों, बीज आवरण में दो परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? दो। कौन कौन सी परतें होती है? नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बीज आवरण में जो दो परतें होती हैं, उन्हें हम, एक को कहते हैं बीज चोल और दूसरे को क्या कहते हैं? बताइए, अंतः चोल, ठीक है। एक को बोलते हैं बीज चोल और दूसरे को अंतः चोल करते हैं। इस तरीके से हमने जाना कि बीज आवरण में दो वो होते हैं, बीज आवरण जो होता है वो बीज का बाह्य आवरण होता है और इसमें दो परतें होती हैं, बीज चोल और अंतः चोल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बीज चोल का क्या मतलब होता है? तो बच्चों, बीज चोल का मतलब होता है वो मोटी बाहरी परत होती है,
जो बीच चोल होती है वो मोटी और बाहरी परत होती है, और अंतः चोल जो होती है, अंतः चोल का मतलब वो अंदर की पतली और भीतरी परत होती है। तो इस तरीके से हमने समझा बच्चों जो बीच चोल है और अंतः चोल के बारे में। बीच चोल जो बाहरी मोटी परत होती है और अंतः चोल जो भीतरी पतली परत होती है। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके हमने जाना बीज के बारे में, बीजों की संरचना के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भ्रूण की तरफ। ठीक है, बीज को समझने के लिए उसके एक एक स्टेप को हम लोग को समझना जरूरी है। तो भ्रूण क्या है? तो बच्चों जो भ्रूण होता है वो बीज का वह घटक होता है जो नए पौधे में विकसित होता है। भ्रूण जो होता है वो बीज का वो घटक होता है जो नए पौधे में विकसित होता है, वही क्या कहलाता है? वो भ्रूण कहलाता है। बच्चों भ्रूण जो होता है वो एक प्रकार का शिशु पौधा होता है। जो भ्रूण होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का शिशु पौधा होता है। बीज का निचला जो भाग होता है, आप लोग देखोगे बीज में नीचे की तरफ एक निचला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर। और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं प्रांकुर। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा किया था, मूलांकुर मतलब मूल जो जड़ में जो नीचे की तरफ जाती है उसे हम क्या करते हैं? मूलांकुर कहते हैं। और जो प्रकाश की तरफ बढ़ती है ऊपर की तरफ जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, तो जो निचला भाग होता है वो हो गया मूलांकुर, और ऊपर का भाग जो होता है वो क्या हो गया बच्चों? प्रांकुर होता है। तो मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से तना बनता है। मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना बनता है, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एक परिपक्व जो बीज होता है बच्चों उसमें पाए जाने वाले भ्रूण में क्या क्या बातें होती हैं, आइए इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों जो हमारा जो भ्रूण होता है उसमें निम्नलिखित दो भाग होते हैं, क्या होते हैं इसको भी समझते हैं। तो जो हमारा बीज होता है बच्चों उसमें जो भ्रूण होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक बीज पत्र होता है और एक बीजाक्ष होता है। ठीक है, तो जो बीज पत्र होता है बच्चों वो फूल वाला जो हमारा भाग होता है, जो फूल वाले पौधे के बीज की जो एक संरचना होती है, आपने देखा होगा कि एक जो बीज की जो संरचना होती है उसे जिसे हम बीज पत्र कहते हैं। जो फूल में जो बीज की एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बीज पत्र कहते हैं। और यह बीज से निकलने वाला पौधा का पहला भाग होता है। ये जो बीज पत्र होता है बच्चों ये बीज से निकलने वाला पौधा का पहला भाग होता है। और बीज पत्र जो होता है बच्चों पादपों में एक बीज पत्र तो था द्विबीज पत्र, मतलब द्विबीज पत्र पादपों में द्विबीज पत्र होते हैं। एक बीज पत्र पादपों में एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र पादपों में द्विबीज पत्र होते हैं। इनका जो होता है कार्य वो क्या होता है? इनका कार्य होता है खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना। इस तरीके से हम लोगों ने बीज के बारे में जाना, भ्रूण के बारे में जाना, बीज पत्र के बारे में जाना, बीजाक्ष के बारे में, अब बीजाक्ष की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए, तो बीजाक्ष क्या है? बीजाक्ष ऊपरी भाग जो होता है उसे बीज पत्रों परत कहते हैं, है ना? इसके ऊपरी जो भाग होता है जो बीज का उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसके ऊपरी भाग को जो होता है वो प्रांकुर, हमने समझ लिया था कि जो ऊपर की तरफ निकलता है उसे प्रांकुर कहते हैं, और बीजाक्ष के निचले भाग को हम लोग बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्राधार के निचले भाग में क्या होता है? मूलांकुर। हमने पहले ही बताया था कि जो बीज होता है उसमें जो नीचे की तरफ जो संरचना होती है वो मूलांकुर होते हैं, और जो ऊपर की संरचना जो होती है जो आगे चल के तने का रूप जो लेती है वो क्या होती है बच्चों? प्रांकुर। बिल्कुल, प्रांकुर होती है। इस तरीके से हमने बच्चों बीजाक्ष के बारे में जाना, निचले भाग को हमने क्या जाना? वो मूलांकुर, और जो ऊपर तने के रूप में जाता है वो प्रांकुर। अब बीजों का प्रकीर्णन, ये है क्या बीजों का प्रकीर्णन? तो प्रकीर्णन बच्चों विस्तार, जैसा कि स्टार्ट में ही मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि प्रकीर्णन मतलब विस्तार करना, फैलना, ये पौधे के जीवन चक्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
होता है। बच्चों बीजों के जो विभिन्न माध्यम होते हैं जिससे मातृ पादप से जो होते हैं उसमें जो बीज निकलते हैं वो बिखरते हैं, तो बीजों की बिखरने की जो प्रक्रिया होती है, फैलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों बीजों का प्रकीर्णन जो होता है वो उसके कई माध्यम होते हैं। कौन कौन से माध्यम होते हैं? बीजों का प्रकीर्णन मतलब बीजों का फैलाव, ठीक है। तो बीजों का फैलाव किस किस माध्यम से होता है, आइए इसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लें कि किन किन माध्यम से बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो बच्चों बीजों का प्रकीर्णन जो होता है वो वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीट पक्षी के द्वारा होता है ना, और स्वयं मनुष्य के भी द्वारा होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि वायु द्वारा कैसे प्रकीर्णन होता है। जो प्रकीर्णन हमने बीजों के प्रसार की बात की है, विस्तार की बात की है, तो वायु द्वारा कैसे होगा? तो बच्चों जिन पौधों के बीज बहुत हल्के होते हैं, वो उनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, जैसे सिंकोना और आर्किड्स, पोस्ता, ये सारे जो है ना इनके बीज बहुत हल्के होते हैं और ये वायु के द्वारा इनका प्रकीर्णन मतलब विस्तार होता है। तो पहला हो गया हमने समझा वायु के द्वारा, दूसरा हो गया जल के द्वारा। जल के द्वारा किस प्रकार के बीजों का प्रकीर्णन होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। बच्चों जल के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है वो मैक्सिमम जो होता है समुद्री द्वीपों में पाया जाता है। ऐसे जो पादप होते हैं बच्चों इनके ना जो तना जो होता है वो थोड़ा स्पंजी तंतुमय होता है, जैसे जो उसका जो आवरण होता है ना वो तंतुमय होता है, और ये जो फल होते हैं वो जल में तैरते हैं। जैसे नारियल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम समुद्र तल के किनारे में नारियल का पेड़ होता ही है, तो नारियल, कुमुदनी देखते होंगे आप लोग, और भी जो जल में जल के द्वारा बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं उनका प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। जंतुओं के द्वारा हमने बताया, जंतुओं कीट पक्षियों के द्वारा। तो बच्चों जंतुओं के द्वारा किस प्रकार से होता है इसको हम लोग समझते हैं। जंतुओं के द्वारा जो प्रकीर्णन होता है बच्चों वो जैसे कभी कुछ होता है कांटेदार बीज होते हैं उनके द्वारा, उनके मल मूत्र के द्वारा, उनके शरीर के रोम में लग के कुछ जो होते हैं बीज वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिस तरीके से बीजों का विस्तार भी होता है। स्वयं प्रकीर्णन, स्वयं का मतलब कभी भी आप देखोगे बच्चों कि कुछ कुछ चीजों के जो बीज होते हैं या फल होते हैं वो अपने आप फट जाते हैं और इनके बीज जो हैं वो वहां पे फैल जाते हैं। तो परिपक्व होने के बाद बच्चों जब बीज पूरा परिपक्व हो जाता है तो कुछ फल अपने आप ही फट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे भिंडी भी आप लोग आसपास में देखते होगे ना, भिंडी का जो फल होता है कभी फट जाता है और उसके बीज नीचे गिर जाते हैं, उससे नए पौधे होते हैं और इस तरीके से बीजों का प्रकीर्णन भी होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना बीजों के प्रकीर्णन एवं अंकुरण के बारे में। अंकुरण के बारे में हमने समझा बीज के जो निचली भाग होता है उसे मूलांकर कहते हैं और ऊपरी हिस्सा जो तने के रूप में परिवर्तित होता है उसे प्रांकुर कहते हैं। बीज आवरण के बारे में जाना, भ्रूण के बारे में जाना, बीज पत्र के बारे में जाना, बीजाक्ष के बारे में जाना, इस तरीके से बीजों के प्रकीर्णन के बारे में भी हमने जाना कि कितने प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन होता है। आइए ये जो भी आज हमने समझा है इस वीडियो में इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जो हमने आज समझा उस पर आधारित मैं एक पहला प्रश्न मैं देखती हूँ। तो बच्चों जो पहला प्रश्न है, बीजों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि बीजों के बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सा शब्दों पर ध्यान दें, बीजों के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? बाह्य आवरण कहते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं बताइए। चलिए कुछ प्रश्न आप लोग के लिए भी रहेगा और कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ सॉल्व भी करते चलेंगे। एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं बच्चों कि बीज चोल किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं बीज चोल। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बीज चोल के बारे में समझा था कि जो बाहरी मोटी परत होती है, बीज की जो बाहरी मोटी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बीज चोल कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है हम लोगों ने अभी समझा। बीजों का प्रकीर्णन
यानी कि बीजों का विस्तार वायु के द्वारा, किसी किसी चीज जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीट पक्षियों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, इस तरीके से हमने जाना बीजों के प्रकीर्णन के बारे में। इसके बाद बच्चों एक चीज और आप लोग समझते चलिए कि भ्रूण किसे कहते हैं। भ्रूण के बारे में हमने जाना था कि बीज का वह घटक जो नए पौधे में विकसित होता है, बीज का वह घटक जो नए पौधे में विकसित होता है वह भ्रूण कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो क्या था बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन एवं अंकुरण। तो आज हमने विस्तार से इस टॉपिक के बारे में चर्चा की, तो आशा है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ हम सब मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।